हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि दोस्तों आप लोग कैसे अपने फ़ोन को मतलब अपने फ़ोन में गूगल असिस्टेंट को लॉक स्क्रीन में कैसे चला सकते हैं। यानी कि अगर आपका फ़ोन लॉक स्क्रीन में बंद रहता है फिर भी आप लोग यहाँ पे गूगल असिस्टेंट को कैसे यूज़ करेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने फ़ोन पे गूगल को ओपन करना है। गूगल को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको प्रोफाइल वाला आइकन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सेटिंग पे क्लिक करना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको गूगल असिस्टेंट पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे आपके सामने इस तरीके से दिखाएगा। तो आप लोगों को यहाँ पे लॉक स्क्रीन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला ऑप्शन आएगा। तो आपके फ़ोन पर इस वाले ऑप्शन को आप लोगों को इनेबल करना है। तो इस तरीके से आप लोग इनेबल कर लीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स आपके फ़ोन पे इस जैसे ही आप लोग इसको इनेबल करेंगे तो आपके फ़ोन पे लॉक स्क्रीन पर भी आप लोग यहाँ पे गूगल असिस्टेंट को यूज़ कर पाएंगे। ओके, चाहे आपका फ़ोन लॉक रहेगा फिर भी यूज़ हो पाएगा और लॉक नहीं रहेगा फिर भी आप लोग यहाँ पे अपने फ़ोन पर गूगल असिस्टेंट को यूज़ कर पाएंगे। तो गाइज़ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।